हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवॉल अपडेट्स पर। मैं शुभांगी भट्ट आज फिर से लेकर आई हूं आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ी कुछ ट्रेंडिंग खबरें। तो शुरुआत करते हैं बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से, जो इन दिनों कई वजहों से चर्चा में बने हुए हैं। अक्षय को कभी उनके तंबाकू ब्रांड का विज्ञापन करने पर ट्रोल किया जाता है, तो कभी फिल्म के पोस्टर पर। अभी फिल्म के पोस्टर पर ट्रोल होने का क्या मामला है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु का पोस्टर शेयर किया था, जिसमें अक्षय कुमार के साथ जैकलीन फर्नांडिस और एक अन्य शख्स नजर आया था। राम सेतु के इस पोस्टर में अक्षय कुमार अपने हाथ में जलती हुई मशाल पकड़े नजर आए, वहीं जैकलीन ने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है, जिसे देखकर लगता है कि वे लोग किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। वहीं ये पोस्टर जैसे ही शेयर हुआ वायरल होने लगा। अब कोई चीज जो वायरल हो और ट्रोल्स का कोई निशाना उस पर ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ट्रोल्स को अक्षय कुमार के इस पोस्टर में भी आपत्ति हो गई। जी हाँ, लोगों को इस पोस्टर का लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। यूजर्स का कहना है कि जब जैकलीन की तरह आसानी से टॉर्च का इस्तेमाल किया जा सकता था, तो अक्षय ने मशाल क्यों पकड़ी हुई है। वहीं ऐसी ही कई मजेदार प्रक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं टीवी की ड्रामा क्वीन राखी सावंत की, जो अपने अजब गजब हरकतों के चलते सुर्खियों में बनी रहती है। इससे पहले राखी सावंत के उनकी शादी को लेकर खूब चर्चे हुए थे। पति का चेहरा छुपाने से लेकर जबरदस्ती शादी और धोखे तक काफी मसाला उनकी मैरिड लाइफ में भरा रहा। वहीं एक समय था जब राखी सावंत अपने पति रितेश के प्यार में इतनी पागल थी कि उन्होंने टैटू के रूप में अपने बॉडी पर उनका नाम लिखवाया था, लेकिन अब इसी टैटू को राखी ने हटवा दिया है। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक टैटू शॉप पर बैठी नजर आ रही हैं और वहाँ मौजूद शख्स उनकी साइड से टैटू हटा रहा है। इस दौरान एक्ट्रेस को काफी दर्द भी हो रहा है, लेकिन इसे सहते हुए वो रितेश को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकालने में लगी हुई है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एजेंट अग्नि की धाकड़ एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की मच अवेटेड फिल्म धाकड़ काफी समय से चर्चा में बनी हुई थी। इसी बीच धाकड़ फिल्म का धाकड़ ट्रेलर रिलीज हो गया है। जी हाँ, एजेंट अग्नि की धाकड़ एंट्री हो चुकी है। फुल ऑन एक्शन और थ्रिल से भरपूर उस फिल्म का ट्रेलर कंगना रनौत के फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। ट्रेलर की बात करें तो धाकड़ के साथ कंगना रनौत ने अपना दमखम भी दिखा दिया है। इस फिल्म के ट्रेलर में आपको बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का बैडएस अवतार देखने को मिलेगा, जिसके बाद कंगना ने बता दिया है कि ऐसा कोई रोल नहीं बना जो वो नहीं कर सकती हूँ। आपको बता दें कि धाकड़ 20 मई 2022 को चार भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज हो रही है। इसमें कंगना के अलावा अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। खैर, मूवी कैसी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन धाकड़ का ट्रेलर फैंस को काफी पसंद आ रहा है और रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। दमदार शख्सियत, बेशुमार खूबसूरती और बिंदास एटीट्यूड हरनाज को सबसे अलग और खास बनाता है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर हरनाज ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। हालांकि कुछ समय पहले हरनाज को उनके बढ़ते हुए वजन की वजह से जमकर ट्रोल भी किया गया था, लेकिन हरनाज ने ट्रोलिंग को भी पॉजिटिवली लिया। तमाम नेगेटिव कमेंट्स के बाद अब हरनाज ने अपनी इतनी गॉर्जियस तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखकर उन पर निशाना साधने वाले भी उनके फैन हो जाएंगे। जी हाँ, इन नई तस्वीरों में हरनाज पिंक कलर की थाई हाई स्लिट ड्रेस में नजर आ रही है, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही है। लेकिन उनके लुक में जो सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग है वो है उनका गॉर्जियस हेयर स्टाइल। हरनाज का स्टाइलिश मैसी हेयर बन उनके पूरे लुक में चार्म ऐड कर रहा है, साथ ही उनकी आंखों में खास कशिश, चेहरे पर कॉन्फिडेंस फैंस को उनका दीवाना बना रहा है। बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की फिल्म हीरोपंती 2 सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और हीरोपंती 2 के पहले दिन के कलेक्शन का शुरुआती रुझान भी आ गया है। फिल्म हीरोपंती 2 ने पूरे देश में पहले दिन करीब 7 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि टाइगर श्रॉफ की पिछले 4 साल में रिलीज हुई फिल्मों में सबसे कम है। साल 2014 में टाइगर श्रॉफ ने फिल्म हीरोपंती से करियर शुरुआत किया था, तब फिल्म की ओपनिंग 6 करोड़ रुपए थी। वहीं फिल्म बागी 3 ने 17 करोड़ रुपए की ओपनिंग दी थी। खैर, पहले दिन तो टाइगर जैसे तैसे टिक गए, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर वीकेंड पर बेहतर कमाई नहीं हुई तो ये फिल्म मुन्ना माइकल और ए फ्लाइंग जट वाली लाइन में लग जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरों के साथ सिर्फ बॉलीवॉल पर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।